भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाकुंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। पीएम मोदी ने सहारनपुर में अपने संबोधन की शुरुआत राम राम से की। उन्होंने कहा कि माता की शांत भरी मां के आंगन में सभी को राम राम। उन्होंने कहा कि मां शक्ति का स्थान है, मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान में हर कोने में शक्ति की उपासना की जाती है। स्वभावी आध्यात्मिकता यात्रा का हिस्सा जो कभी भी शक्ति उपासना को ना करते नहीं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। इंडिया अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के समर्थ को चुनौती दे सकता है? क्या शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है? उन सब का क्या हाल हुआ है वह इतिहास के पुराणों में अंकित है। साथियों, उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय और निराशा और संकट के दौरे में गुजर रहा, तब आपको गारंटी दे के गया था, आपका आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी। इससे तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अपनी ताकत बना दिया है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में एक की आवाज़ आ रही है। महिलाओं भी बोल रही है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है, एक ही बात कर रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत शुभ अवसर है, भाजपा का स्थापना बहुत कम दशक में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं, भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।